भारत जोड़ो यात्रा की आज पहली वर्षगांठ है, जिसमें राहुल गांधी ने 45,000 किलोमीटर की यात्रा कर देश जोड़ने के लिए यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा के सोलन जिला समन्वयक विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि अब ये यात्रा गांव स्तर तक जाने वाली है और जमीनी स्तर पर संवाद कर लोगों से उनकी समस्याएं और एकता के लिए ये जिले के हर ब्लॉक तक पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि छोटी मानसिकता और भाई को भाई से लड़ाना, जातिवाद, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुटता से घर घर तक पहुंचेगी। यात्रा का मकसद लोगों तक पहुंचना ही नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उसका निदान करना है। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा का आज पहली वर्षगांठ है और भारत जोड़ो यात्रा का करने का उद्देश्य राहुल गांधी जी ने जब यह निर्णय लिया तो एक पूरे देश में एक माहौल जो था वो इस तरह का माहौल बन गया था जिसमें सांप्रदायिक ताकतें बहुत देश को खोखला कर रही थी। आज उसे खत्म करने के लिए जब राहुल जी ने निर्णय लिया, उस निर्णय के बाद ये यात्रा कन्याकुमारी से पहुंचकर कश्मीर पहुंची। आज वो आपके सामने यहाँ पे हमारे ग्रामीण स्तर तक हम अब जाने वाले हैं इसको लेके। और इस यात्रा का मकसद जो आज हमारी त्रासदी भी हुई है उसमें भी एक अपना हिस्सेदारी और हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्या को किस तरीके से हम समाधान कर सकते हैं उसके ऊपर हम हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे पहुंचने वाले हैं। और सरकार हमारी है तो जो हमारी समस्याएं हैं और जो कमियां भी हैं वो भी हम तक पहुंचाएंगे, जो मुझे आदेश हमारी अध्यक्षा जी ने किया है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।